कभी कोई भी बात हो तो मुझसे कहो, बेझिझक कहो और बिना कुछ सोचे कहो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद बहुत ही खामोशी से कर रहा हूँ, जिसकी हवा भी किसी को ना लगने पाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता भी ना चले और तुम्हारी मदद भी हो जाए। क्योंकि मेरा बच्चा बहुत स्वाभिमानी है, मुझे पता है तुम्हारा स्वाभिमान बहुत बड़ा है, और मैं चाहता भी हूँ कि तुम्हारा स्वाभिमान ऐसे ही बरकरार रहे। मुझे पता है तुम मुझसे कुछ भी मांगते या बोलते हुए ना स्वाभिमान नहीं देखते हो, क्योंकि मुझ में और तुम में, हमारे बीच में कभी स्वाभिमान है ही नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हारा अपना हूँ ना। इसलिए तुम बेझिझक मुझसे कहते भी हो और कह सकते हो, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, मुझे तुम्हारा स्वाभिमान बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बरकरार रखो, हमेशा इसको ज़िंदा रखो, पर अपने अंदर घुटकर नहीं, अपने अंदर परेशान होकर नहीं, मुझसे कह सकते हो, हर बात कह सकते हो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सब तुम मुझसे कह सकते हो। और एक बात बताओ, अपने बाबा से नहीं कहोगे तो फिर किससे कहोगे? और वहीं दूसरी तरफ तुम कहने में कई बार हिचकिचा जाते हो, मत हिचकिचाया करो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ और मैं तुम्हें सुनता भी हूँ। अरे, तुमने जब बाबा बोला है तो अपने बाबा से कहो ना, तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, तुम किस चीज़ को चाहते हो, मैं वो हर चीज़ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा बाबा कितना सक्षम है ये तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, और धीरे धीरे तुम इस अंदाजे तक पहुँचोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बाबा कितना सक्षम है, तुम्हारा बाबा क्या कर सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे बाबा के लिए असंभव है। इसलिए दिल से मांगो, दिल से कहो जो कहना चाहते हो। अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।